नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास सिक्स का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 24, जो कि है आपका, देख सकते हैं, आवर अर्बन गवर्नमेंट, यानी कि अर्बन क्षेत्र में, सिटी और टाउन में जो भी लोकल स्तर पर गवर्नमेंट वर्क करती है डेवलपमेंट के लिए, बेसिक सुख सुविधाओं के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। वो आपका तीन प्रकार का होता है, देख सकते हैं। पहला होता है नगर पंचायत, जो अभी गांव धीरे धीरे शहर में, टाउन में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उनका आबादी बढ़ रहा है, उसमें आपका नगर पंचायत होता है। उसके बाद जहां का आबादी 20,000 से 10 लाख के बीच में होता है, उसको, उस गवर्नमेंट को कहते हैं आपका म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद कहते हैं। और वे बड़े बड़े शहर जहाँ का आबादी 10 लाख से ज़्यादा होता है, वहाँ जो लोकल स्तर पर गवर्नमेंट वर्क करती है, उसको कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग केवल नगर पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आवर अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि द सिटीज लाइफ, यानी शहरों का जीवन, एंड द विलेज लाइफ, और गाँव का जीवन, आर क्वाइट डिफरेंट, यानी कि थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। द सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड, शहरों जो होते हैं ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि ज़्यादा आबादी वाले होते हैं, दैन द विलेज, यानी गाँव के तुलना में। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट होता है कि दोज, वे सब, हु हैव टू लुक आफ्टर, वे सब जिनको लुक आफ्टर यानी कि देखना पड़ता है, द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देखना पड़ता है ऑफ द सिटी, शहरों का मैनेजमेंट जिनको देखना होता है, हैव टू मेक एडिक्वेट प्रोविजन, यानी कि उनको पर्याप्त प्रावधान करना पड़ता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी का पर्याप्त प्रावधान करना पड़ता है उनको, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्राप्त पर्याप्त एडिक्वेट प्रोविजन करना पड़ता है, यानी प्राप्त पर्याप्त प्रावधान करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का भी करना पड़ता है, हेल्थ केयर सेंटर का, हॉस्पिटल का, ETC, ये सब का आपका एडिक्वेट प्रोविजन करना पड़ता है उन सबको, जो भी लोग मैनेजमेंट देखते हैं। इन एडिशन टू द एबव, देयर आर बिग मार्केट्स, मिल्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स इन द सिटीज, यानी कि ऊपर में जो भी दिया गया है शहरों के बारे में, उसमें हम लोग और ऐड करें तो देयर आर ए बिग मार्केट, यानी कि बड़े बड़े मार्केट होते हैं, मिल्स होते हैं, एंड प्रोडक्शन सेंटर होते हैं इन द सिटीज, शहरों में। मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया, यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, यानी कि गाँव से शहरों में। मेकिंग सिटी, और बना रहे हैं शहरों को ओवर क्राउडेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड बना रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन, यह लीड करता है या बढ़ावा देता है, ग्रेटर स्ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा तनाव को, ऑन द प्रोविजन ऑफ द सिविक एम्यूनिटीज, यानी कि नागरिक जो भी सुविधाएँ हैं, सुविधाओं का जो प्रावधान है, नागरिक सुविधाओं का जो प्रावधान है, उस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन को बढ़ाता है, तनाव को। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्यूनिटीज, जो भी सुविधाओं, सुविधा देने का जो भी जिम्मेवारी है, सुविधाएं देने का जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर मेंटेनेंस, और उनका जो मेंटेनेंस है, इज इंस्ट्रक्टेड टू द अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी कि दिया गया है, इंस्ट्रक्टेड किया गया है टू द अर्बन सेल्फ गवर्निंग, यानी कि शहरी इलाकों में स्वयं से चलने वाला सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को दिया जाता है। इट वुड बी यूजफुल, यह उपयोगी होगा, टू स्टडी, अध्ययन करना, बहुत ही यूजफुल होगा, टू स्टडी, अध्ययन करना, हाउ दिज बॉडीज, कैसे ये सब बॉडीज, यानी कि वो भी जो भी लोकल स्तर पर गवर्नमेंट कार्य करते हैं उन सबको बॉडीज कहा जाए, हाउ दिज बॉडी, कैसे ये सब बॉडीज आर कंपोज, बनाए जाते हैं, कैसे इन सब का निर्माण किया जाता है, एंड हाउ दे परफॉर्म, और कैसे ये सब परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, यानी कि देयर वेरियस फंक्शन, यानी कि उनका अनेकों फंक्शन, उनका अनेकों कार्य कैसे परफॉर्म करते हैं वे अपना अनेकों कार्य को, ये सब के बारे में पढ़ना काफ़ी
यूजफुल होगा। आगे देखिए, द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज प्रोवाइडेड थ्री टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि 1992 का 74वां संशोधन हम लोगों को दिया है, प्रोवाइड किया है थ्री टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि तीन प्रकार के अर्बन लोकल बॉडी दिया, यानी कि अर्बन एरिया में लोकल स्तर पर चलने वाला गवर्नमेंट दिया है। दे आर नगर पंचायत, वे हैं नगर पंचायत हैं फॉर सेमी अर्बन एरिया, यानी सेमी अर्बन एरिया के लिए नगर पंचायत है, यानी कि अर्ध अर्बन, यानी पूरी तरह से जो अभी शहरी नहीं बने हैं, अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बन रहे हैं, सेमी अर्बन एरिया के लिए नगर पंचायत दिया है। व्हिच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग, जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं इनटू सिटी, शहरों में। सेकंड है म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद, म्यूनसिपल काउंसिल कहिए या नगर परिषद कहिए, दो नाम है, फॉर सिटी, शहरों के लिए। विथ पॉपुलेशन बिटवीन, यानी कि जिसका पॉपुलेशन है 20,000 to 10,00,000, यानी कि 20,000 से लेकर के 10,00,000 के बीच जिसका पॉपुलेशन है उसके लिए क्या है, म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद। एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है फॉर बिग सिटी, बड़े शहरों के लिए, लाइक जैसे दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए, कोलकाता के लिए, कानपुर के, ETC, वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10,00,000, जहाँ का पॉपुलेशन है मोर देन, यानी कि ज़्यादा है, 10,00,000, 10,00,000 से ज़्यादा है, वहाँ के लिए क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जहाँ 20,000 से 10,00,000 के बीच में है वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल चाहे नगर परिषद। जहाँ 20,000 से कम है, अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं शहर में, वहाँ पर क्या है, नगर पंचायत। हम लोग इस वीडियो में केवल नगर पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग नगर परिषद और नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में लोकल स्तर पर जो भी गवर्नमेंट होती है उसको पॉपुलरली नून है, यानी कि लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, एज ए म्यूनसिपलिटी जाना जाता है, आर इलेक्टेड, चुना जाता है जिसको, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, थ्रू रेगुलर इलेक्शन, यानी कि रेगुलर इलेक्शन के द्वारा। मेंबर्स इलेक्टेड, मेंबर्स जो चुने जाते हैं इन दिस वे, इसमें आर कॉल्ड, कहे जाते हैं म्यूनसिपल काउंसिलर, काउंसिलर कहे जाते हैं, म्यूनसिपल काउंसिलर कहे जाते हैं, जो भी इसमें मेंबर चुने जाते हैं उनको म्यूनसिपल काउंसिलर कहा जाता है। इच सिटी इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, प्रत्येक सिटी को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है इंटू वार्ड्स, वार्ड्स में। द नंबर ऑफ वार्ड्स, वार्ड्स की संख्या डिपेंड करता है अपॉन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ है पार्टिकुलर सिटी, किसी पार्टिकुलर सिटी या टाउन के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है वार्ड की संख्या, कितना वार्ड होगा। इफ़ अ सिटी हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, यदि सिटी में लार्ज पॉपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है, घनी आबादी होता है, देन द नंबर ऑफ वार्ड्स, तब वार्ड की संख्या इज मोर, ज़्यादा होते हैं। द वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, वोटर जो चुनते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, फ्रॉम ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड से, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि 5 सालों के लिए चुनते हैं। द एज टू बिकम, होने के लिए अ मेंबर, एक सदस्य, कैनोट, नहीं हो सकता है बी लेस द, यानी कि कम नहीं हो सकता है, 21 ईयर से कम नहीं हो सकता है, जो मेंबर होगा उसका एज 21 ईयर से कम नहीं हो सकता है। सम वार्ड्स, कुछ वार्ड्स आर रिजर्व होते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, कुछ वार्ड जो होते हैं रिजर्व होते हैं, वहाँ पर केवल शेड्यूल कास्ट ही आप मेंबर बन सकते हैं, और लोग केवल शेड्यूल कास्ट को ही चुनना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होते हैं, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, और दूसरे बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्व होते हैं। 1/3 सीट, एक तिहाई सीट इन ईच म्यूनसिपलिटी, प्रत्येक म्यूनसिपलिटी में आर रिजर्व होते हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए। अब हम लोग फर्स्ट जो भी सेमी अर्बन में जो भी गवर्नमेंट होता है उसको कहते हैं नगर पंचायत कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में। टाउन व्हिच आर स्मॉलर, शहर जो कि छोटे होते हैं, दैन अ सिटी से, बट बीगर, जो लेकिन बड़े होते हैं, दैन अ विलेज, ये गांव से जो बड़े होते हैं और शहर सिटी से छोटे होते हैं, हैव नगर पंचायत, उसमें क्या होता है, उनके पास नगर पंचायत होते हैं वहाँ पर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी,
यह होता है सबसे छोटा लोकल बॉडी होता है इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में द नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि मेंबर्स की संख्या डिपेंड करता है अपॉन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर ऑफ द टाउन, शहर के पॉपुलेशन के ऊपर मेंबर की संख्या डिपेंड करता है। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत, नगर पंचायत का चेयरपर्सन इज इलेक्टेड चुना जाता है डायरेक्टली चुना जाता है बाय द पीपुल लोगों के द्वारा। एंड द वाइस पर्सन और वाइस पर्सन जो होते हैं इज इलेक्टेड चुने जाते हैं बाय द मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा देमसेल्फ स्वयं और उसमें जो भी मेंबर चुन कर जाते हैं उनके द्वारा वाइस पर्सन को चुना जाता है। अब इनका कार्य क्या है नगर पंचायत का, ये देखिए कार्य के बारे में पढ़ना है। द प्राइम फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य ऑफ नगर पंचायत, नगर पंचायत का आर हैं क्या हैं, तो पहला टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन और देना बेटर लिविंग कंडीशन यानी कि अच्छा एक जीवन जीने के लिए परिस्थितियों को देना, यह आपका पहला कार्य। सेकेंड है देखिए टू प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज यानी कि नागरिक सुविधाओं को प्रोवाइड करना कार्य है लाइक जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको देना काम है नगर पंचायत का। अगर देखिए टू इंश्योर सैनिटेशन, सैनिटेशन को इंश्योर करना, हाइजीन को यानी कि साफ सफाई को एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को सुनिश्चित करना, ये सब कार्य है नगर पंचायत का। आगे टू मेंटेन पार्क, पार्क को मेंटेन करना, प्राइमरी स्कूल को मेंटेन करना एंड पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग को मेंटेन करना। टू कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखना ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितना जन्म हुआ कितना लोग मरे इसका रिकॉर्ड रखना, ये सब कार्य है नगर पंचायत का। अब देखिए ये सब कार्य करने के लिए नगर पंचायत को पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम। तो देखिए नगर पंचायत गेट्स फंड, नगर पंचायत प्राप्त करती है फंड थ्रू टैक्सेज, टैक्सेज से लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्राई, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम द म्यूनसिपल बिल्डिंग, म्यूनसिपल बिल्डिंग से रेंट एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से, ये सब से, ये सब के टैक्स से आपका ये इनकम प्राप्त करती है। आगे देखिए बट लेकिन मोस्ट ऑफ द मनी, लेकिन अधिकांश पैसा कम्स आता है फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंट से फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के फाइनेंशियल असिस्टेंट से आता है यानी कि राज्य सरकार देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स यानी वादा जो भी किए रहती है उसके रूप में पैसा देती है एंड लोन्स, और लोन्स के रूप में पैसा देती है। डू यू नो क्या आप जानते हैं ऑक्ट्राई इज अ टैक्स, ऑक्ट्राई क्या है, एक टैक्स है लेविड ऑन गुड्स जो कि गुड्स सामानों के ऊपर लगाया जाता है। इंटरिंग अ सिटी, एक सिटी में प्रवेश करने पर जो भी सामान प्रवेश करते हैं आते हैं शहरों में उस पर लगाया जाता है। दिस डे इन दिनो इट हैज़ बीन ओबोलिस्ट इन दिल्ली हरियाणा ATC यानी कि इन दिनों ओबोलिस्ट यानी समाप्त कर दिया गया है इन दिल्ली, दिल्ली में, हरियाणा में इत्यादि में। तो इस तरह से हम लोग नगर पंचायत के बारे में पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।